मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि इंदौर में जल्द ही LIG से नौलखा तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शुरू होगा। इसके निर्माण से जनता को ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी। सज्जन सिंह वर्मा ने LIG से नौलखा तक बनने वाले इस कॉरिडोर के बारे में कहा कि ये प्रोजेक्ट इंदौर वासियों की एक लंबित मांग है और मेरा भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ हो, इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 दिसंबर को ऑनलाइन निविदा बुलाई गई है और फरवरी से काम प्रारंभ करने का प्रयास है। 272 करोड़ की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर में 3 अतिरिक्त भुजाएं होंगी। पहले गिटार चौराहे से साकेत नगर की ओर, दूसरी गीता भवन चौराहे से ढक्कन वाला कुआं और मधुमलन की ओर तथा तीसरी भुजा शिवाजी वाटिका से कृषि महाविद्यालय पिपलियाना की ओर निकलेगी। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर की जनता के लिए AB रोड पर यातायात सुलभ हो जाएगा। अभी 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। ये कॉरिडोर बनने के निर्बाध रूप से ट्रैफिक चलेगा तथा ईंधन की भी बचत होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की योजनाओं का पैसा रोककर विकास को प्रभावित कर रही है। वो तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैनेजमेंट गुरु हैं और उनके कुशल प्रबंधन के कारण मध्य प्रदेश का विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की सबसे बुरी स्थिति आज जो है, उसके लिए मोदी को महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की पाठशाला में 7 दिन ट्रेनिंग लेनी चाहिए। यदि वो ऐसा करेंगे तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगेगी। नोटबंदी एक बेहद अपरिपक्व निर्णय था जिसे देश आज भी भुगत रहा है। सज्जन सिंह वर्मा ने आज शिवराज सिंह चौहान के इंदौर इच्छापुर मार्ग के संबंध में दिए गए बयान को सरासर झूठ बताया। उन्होंने कहा कि इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे के हस्तांतरण के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सहमति केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 24 जुलाई को पत्र के माध्यम से राज्य सरकार की सहमति दी जा चुकी है। इसके बाद भी केंद्र की ओर से मार्ग को लेकर कोई गतिविधि नहीं चल रही है। इंदौर इच्छापुर मार्ग 3 अप्रैल 2018 व 3 जनवरी 2017 को क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 BG 753 L घोषित किया गया है। उक्त मार्ग का इंट्रस्टमेंट भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अभी तक नहीं किया गया, जिसके लिए भारत सरकार ने लगातार पत्राचार भी दिया जा रहा है। इंट्रस्टमेंट न किए जाने के कारण राज्य शासन को उक्त मार्ग का संधारण करना पड़ रहा है। आम जनता की परेशानी तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य शासन अपने स्तर पर ही मार्ग का संधारण का कार्य लगातार कर रहा है। अब तक कुल 201 किलोमीटर में से 161 किलोमीटर में नवीनीकरण का कार्य करवाया जा चुका है तथा शेष किलोमीटर में कार्य प्रगति पर है। उक्त मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग होने के पश्चात मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा आज दिनांक तक 32.03 करोड़ की राशि खर्च कर चुका है तथा 14.25 करोड़ रुपए की राशि शेष मरम्मत कार्य में खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। शिवराज सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उक्त सड़क को केंद्र को हस्तांतरित नहीं कर रही है, ये सरासर झूठ और मनगढ़ंत है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।